अवाम के पुरमन एहतजाज को पुरतशद्दुद बनाने की घिनौनी साजिश। सिंध एक्शन कमेटी की काल पर अजीमुशान धरने ने सिंध दुश्मनों के होश उड़ा दिए। नामालूम शरपसंदों की जानिब से तोड़फोड़ का बहाना बनाकर निहत्ते अवाम और रहनुमाओं पर शेलिंग और फायरिंग की गई। सिंध एक्शन कमेटी ने पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को धरने को नाकाम बनाने की बैरिया टाउन इंतजामिया की साजिश करार देकर इसकी मजम्मत की है। सिंध एक्शन कमेटी की जानिब से सीनियर कॉम्प्रेस रहनुमा सैयद जलाल मेमून शाह की सरबराई में बैरिया टाउन के मेन गेट पर पुरअमन धरना दिया गया, जिसमें कराची से कश्मीर तक बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत करके भरपूर इताद और इतफाक का मुजाहरा किया। धरने में कॉम्प्रेस रहनुमाओं डॉक्टर कादर मक्सी, रियाज चांडे और सैयद जैन शाह और दीगर ने भी शिरकत की, जबकि सिंध इंडिजीनियस राइट्स अलायंस और दीगर तंजीमों के वफूद भी एहतजाज का हिस्सा रहे। इस मौके पर बैरिया टाउन की नाजायज कब्जागीरियत के खिलाफ सिंध के अवाम ने अपना भरपूर और पुरमन एहतजाज रिकॉर्ड कराया, जबकि रहनुमाओं ने अपने खिताब में बैरिया टाउन कराची समेत दीगर मेगा प्रोजेक्ट्स को सिंध की जमीनों पर नाजायज कब्जा करार देकर मुस्तरद कर दिया। रहनुमाओं ने खबरदार किया कि अगर बैरिया टाउन समेत तमाम सिंध दुश्मन मनसूबों को ना रोका गया तो ये सिंध के करोड़ों वारिस घरों से बाहर निकल कर अपनी धरती की हिफाजत खुद करना जानते हैं। धरने के मौके पर चंद पुरस्कार और नामालूम शरपसंद अनासर ने बैरिया टाउन के अंदर तोड़फोड़ की और मेन गेट पर आग भी लगाई गई, जिससे धुएं के बादल उठने लगे और हरास फैल गया। पुलिस और रेंजर्स ने इस मौके को गनीमत जानकर पुरअमन आवाम पर शेलिंग और हवाई फायरिंग की। इन्हीं शाहिदीन के मुताबिक स्टेज पर मौजूद सिंध एक्शन कमेटी के रहनुमाओं पर भी शेलिंग की गई, जबकि लाठीचार्ज के बाद सैकड़ों कॉम्प्रेस कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। उधर सिंध एक्शन कमेटी की जानिब से एहतजाज के मौके पर करारदादें भी मंजूर की गईं, जिसके मुताबिक एहतजाज को सिंध हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम करार देकर मुतालबा किया गया कि सूबाई हुकूमत सिंध की ज़मीनों और कौमी मफादात के तहफ़ में नाकाम साबित हुई है, लिहाजा फिलफौर इस्तीफ़ा दी। सिंध एक्शन कमेटी ने आवाम की तर्जुमानी करते हुए ये भी मुतालबा किया कि बैरिया टाउन कराची को गैरकानूनी तौर पर सिंध की ज़मीन देने वाले अमल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के 4 मई 2018 के फैसले पर मनोअन अमल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत बैरिया टाउन कराची को गैरकानूनी तौर पर ज़मीन अलाट करने में मुलव्वस करार दिए गए तमाम सरकारी मुलाजमीन और सियासी रहनुमाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके सख्त सजा देने की करारदाद भी मंजूर की गई। सिंध एक्शन कमेटी की जानिब से मंजूर करदा करारदाद के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में बैरिया टाउन कराची के मफादात में दलाइल देने वाले वकला एतजाज हसन, फारूक एच नाइक, रशीद एरिजवी और बैरिस्टर जमीर घुमरो को सिंध का कौमी मुजरम करार दिया गया। सिंध की जमीन बैरिया टाउन को गैरकानूनी तौर पर अलाट करने पर वजीर आला सिंध, वजीर रेवेन्यू और मेम्बर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जिम्मेदार और सिंध दुश्मन करार देते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और सिंध के तमाम कदीमी गोठों को कानूनी तहफ़ फराम करके रिहायश पजीर अफराद को मालकाना हकूक देने का मुतालबा भी किया गया। सिंध एक्शन कमेटी की जानिब से मंजूर करदा करारदादों में मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी तरमीमी बिल 2013 को ख़त्म करना और जिला मलीर की 43 जबकि जिला गरबी की 16 दियों को MDA और LDA के कंट्रोल से आज़ाद करने के मुतालबात भी शामिल हैं। दूसरी जानिब सिंध इंडिजीनियस राइट्स अलायंस ने सिंध एक्शन कमेटी के धरने के दौरान नामालूम शरपसंदों की जानिब से की गई तोड़फोड़ की मजम्मत करते हुए पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से लातालिकी का इजहार भी किया गया है।